हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज क्लास 11 गणित के अंतर्गत हम लोग चैप्टर 1 जो कर रहे थे समुच्चय, उसकी विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और साथ ही आप वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए। बता दीजिए कि आपको विविध प्रश्नावली मिली है, यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिए, बहुत ही कम ना के बराबर आपको विविध प्रश्नावली मिलेगी, शायद ही हिंदी में आपको कहीं मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप वीडियो को अप्रिशिएट करें, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करें, अधिक से अधिक शेयर का मतलब मेरी मेहनत सफल हो रही है, आप लोगों तक अधिक से अधिक वीडियो पहुंच रहा है। तो जरूरी ये है कि आप जहां जहां शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां वहां आप शेयर कीजिए, ताकि थोड़ी बहुत जो मेरी मेहनत है वो सफल हो सके, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। थाइस कह रहा है कि दिखाइए कि शब्द कैटरैक्ट 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 के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है, ठीक है। तो कैटरैक्ट का अगर हम अर्थ कहें तो होता है मोतियाबिंद, और ट्रैक्ट का मतलब होता है प्रणाली, ठीक है। तो इंग्लिश पे नहीं आते, मैथ है। अच्छा, कैटरैक्ट के लिए आपको निकालना है तो समुच्चय क्या बनेगा, एक एक ले लेंगे, सिंगल सिंगल लेते हैं, सी फिर ए टी, ए दोबारा और रिपीट नहीं करते, ये मैंने बताया था आर, ठीक है, ए हो गया, सी हो गया, टी हो गया, इतना बनेगा। और ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो ट्रैक्ट में क्या आएगा, टी आर ए सी, ये आएंगे। तो आप यहां देख रहे हैं कि जो यहां पर अवयव है वही यहां पर अवयव है। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि समुच्चय x बराबर y, अतः समुच्चय x और y बराबर हैं, समान समुच्चय हैं, ठीक है, समान समुच्चय हैं। क्यों समान समुच्चय है, क्योंकि दोनों में जो अवयव है वो, उदाहरण नंबर 29 कह रहा है कि समुच्चय -1 0 1 के सभी उप समुच्चयों की सूची बनाइए। तो उप समुच्चय बनाना है, सबसेट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, सबसेट मैंने आपको बता रखे हैं कैसे बनाएंगे। पहले तो आपका फाई आएगा, फाई के बाद आप लेंगे -1, फिर 0 1, फिर दो दो करके ले लेंगे -1 0 0 1 1 -1, और फिर तीनों ले लेंगे -1 0 और 1, इस प्रकार से। उदाहरण नंबर 30 देखते हैं। उदाहरण नंबर 30 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, का तात्पर्य है कि ए बराबर बी, ठीक है। तो आपको मान लीजिए हमने कह दिया कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज दी है और हम सिद्ध कर रहे हैं कि ए बराबर बी। अच्छा जरा इसको सोचिए, यदि कोई अवयव ए में है, यदि कोई अवयव ए में हो तो यूनियन की वजह से वो बी में भी होगा। अब यूनियन की वजह से बी में है और बराबर दिया इंटरसेक्शन के, इसका मतलब क्या कि जो चीज यूनियन में है वही चीज आपकी इंटरसेक्शन में भी है। यानी अगर दोनों को मिला रहे, दोनों का सम्मिलन कर रहे, तो वहां से जो अवयव मिल रहा, या फिर जो दोनों को कॉमन निकाल ले वहां से जो अवयव निकल रहा, वो दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यदि आप इस प्रकार से समझा रहे हैं कि माना कोई अवयव ए में है तो वह ए यूनियन बी में होगा, ठीक है। अब ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी से वह अवयव ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, इस कारण वह अवयव समुच्चय बी में भी होगा। यदि कोई अवयव ए में है तो ए यूनियन बी में भी होगा, और ए यूनियन बी से ए इंटरसेक्शन बी में भी है। अब चूंकि ए इंटरसेक्शन बी में भी है, दोनों में कॉमन है, तो फिर बी में भी होगा, मतलब जो चीज ए में है वो चीज बी में भी होगी निश्चित तौर पे, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आप थ्योरी लिखनी है और कुछ नहीं है सवाल में, ठीक है ना, थ्योरी है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कोई अवयव बी में है तो वह ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी से भी वह अवयव ए में भी होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि यदि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी है तो ए और बी समान समुच्चय हैं। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। अब चलिए उदाहरण नंबर 31 देखते हैं। उदाहरण नंबर 31 आपको कह रहा है कि समुच्चयों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए इतना, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, इस प्रकार से कह रहा। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं ए और बी कोई दो समुच्चय हैं। मान लिया, माना ए बराबर आपको दिया 1 2, बी बराबर दिया आपको 2 3। अब पावर सेट यानी घात समुच्चय आपको निकालना आता होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एलएचएस और आरएचएस ले लेते हैं। अब एलएचएस क्या है कि ए पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है यानी 2। और पावर सेट कैसे निकालते हैं कि जो उप समुच्चय होता है उसका समुच्चय बना लेते हैं, उप समुच्चयों का जो सेट बनेगा वो पावर सेट कहलाता है, ठीक है। और उप समुच्चय में क्या कि फाई तो आता ही आता है और जो चीज होगी वो आएगी, तो अकेला 2 है तो अकेला 2 आ जाएगा, तो फाई और 2 आ गया। अब हम आर एच एस अगर हम बात करें तो पी ए इंटरसेक्शन पी भी, ये आपको निकालना है, तो ए कितना दिया 1 2। और अगर हम पावर सेट निकाले तो पहले आएगा 5, फिर सिंगल 1, फिर सिंगल 2 और फिर दोनों को ले लेंगे,
ठीक है। और अगर बी की बात करें तो 2 3 दिया है, तो पावर सेट ऑफ बी कितना बनेगा, यानी घात समुच्चय, बी का घात समुच्चय क्या बनेगा, 5 आएगा। फिर सिंगल सिंगल ले लेंगे, फिर दोनों को ले लेंगे। अब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाले तो इंटरसेक्शन में आप देख रहे हैं कि 5 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो 5 और 2, तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही वैल्यू बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी hence proved। उदाहरण नंबर 32 कह रहा है कि एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए, 450 ने उत्पाद बी, तो दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है। दोनों उपभोक्ताओं यानी इंटरसेक्शन, ये आपका ये हो जाएगा यूनियन की बात, ठीक है। तो ए यूनियन बी 1000 हो गया, एन ए आपको 720 दिया और बी जो है वो 450 दिया, तो बस आपको सूत्र रख देना है। तो सूत्र क्या कि यूनियन बराबर पहला समुच्चय दूसरा समुच्चय जोड़ना है और इंटरसेक्शन घटा दे रहा है, तो यहां रख रहे हैं वैल्यू, तो 1000 एन ए आपको 720 प्लस 450 इंटरसेक्शन आप निकाल देंगे, बस इतना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 और ये कितना हो जाएगा 11 70 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपका 1000 माइनस 1170, यानी 170 लोग हैं जो दोनों उत्पादों को पसंद। उदाहरण नंबर 23 देखते हैं। उदाहरण नंबर 23 कह रहा है कि 500 कार मालकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार के, 200 लोग बी प्रकार की कार के तथा 50 लोग ए और बी दोनों ही प्रकार की कार के मालिक थे, क्या ये आंकड़ा सही है। तो ये यूनियन हो गया, ये ए हो गया, ये बी दे दिया और 50 लोग दोनों यानी इंटरसेक्शन की बात कर रहा, ठीक है, दोनों ही प्रकार के, तो यूनियन का मान 500, एन ए 400, एन बी 200 और इंटरसेक्शन आपको दिया 50। अब ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कीजिए, यदि बराबर आ गया तो आंकड़ा सही है, बराबर नहीं आया तो आंकड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो यूनियन कितना दिया आपको 500, एक का मान यहाँ 400, ये 200 और ये माइनस 50, तो ये कितना हो गया 500, ये 600 माइनस 50, तो ये कितना आ रहा 500 बराबर 550। तो यहाँ देख रहे हैं कि 500 इज नॉट इक्वल टू 550, तो हम क्या कहेंगे कि आंकड़े सही। उदाहरण नंबर 34 देखते हैं, कह रहा है कि एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15, क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए, यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले, यानी ये यूनियन की बात कर रहा, और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले, ठीक है, 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए, यानी ये इंटरसेक्शन की बात कर रहा, तो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मिले, ठीक ठीक 2 खेलों के लिए, यानी केवल 2 खेलों के लिए। तो अब यहां पर मैंने क्या किया कि बास्केटबॉल का मतलब बी है और क्रिकेट का मतलब सी है, तो फुटबॉल के लिए भी मैंने ए मान लिया, ठीक है ना, या फुटबॉल के लिए आप एफ मान सकते थे, तो एफ बी सी, तो एफ बी सी की जगह मैंने ए बी सी कर दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, या एफ की जगह मैंने फुटबॉल को ए से डिनोट कर दिया। तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, फुटबॉल खेलने वाले आपके 38 हैं, बास्केटबॉल के लिए 15, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 है, 58 ऐसे लोग हैं जो सब कुछ खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, फुटबॉल बास्केटबॉल भी और क्रिकेट भी, और केवल 3 लोग ऐसे हैं, केवल 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। अच्छा, तीनों खेल खेलने का मतलब क्या कि तीनों खेल खेलने का मतलब ये कि यहां पर आपको 3 भरना है, ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट कह रहा है, ये वाला पार्ट, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट कहलाएगा, ठीक है, ये वाला इंटरसेक्शन। अब मैंने आपको शुरू में सूत्र बताया था कि जो तीनों वाला सूत्र है वो विविध में लगना है, तो सूत्र कैसा कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब यहाँ जरा वैल्यू रखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर ये 58, एन ए आपको दिया 38, ये 15, यहाँ 20, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, ये आपका 58, ये हो रहा 38, 15 और ये 20, 73 और ये 3, तो 76 हो जाएगा, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, तो ये कितना निकलेगा 76 से, तो ये कितना हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, तो ये आएगा आपका 76 माइनस 58, तो ये कितना निकलना, ये बचना आपका 18, ठीक है, तो ये बच गया आपका 18। अब
यहाँ प्लस सब में, क्योंकि ये पक्षांतर कर रहे थे। तो एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी और एन सी इंटरसेक्शन ए बराबर 18। लेकिन वो कह रहा था तो कितने लोगों को तीन में से ठीक ठीक, ठीक ठीक का मतलब क्या, ठीक ठीक का मतलब केवल केवल दो खेलों के लिए मिले। तो अब इसका मतलब क्या कि यदि हम बात करें, यदि हम बात करें इसको समझेंगे इस प्रकार से कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी और सी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या कहलाएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये कहलाएगा, ये वाला, ठीक है, बी और सी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये कहलाएगा। और उसमें कहा जाए कि केवल बी सी, केवल बी और बी इंटरसेक्शन सी, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हटा देंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहां से तीन अवयव। इसी प्रकार ये हो गई बात, ये हो गई बी इंटरसेक्शन सी की, इसमें हम तीन घटाएंगे, इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन सी के लिए तीन घटाएंगे, इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी के लिए तीन घटाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं कि तीन तीन और यहां से भी तीन को घटा देंगे 18 में से। तो ये हम कह रहे हैं कि केवल केवल एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, तो ये कितना हो जाएगा, 18 में से आप तीन बार घटा रहे हो, तीन प्लस तीन प्लस तीन करके, तो ये कितना करे, 18 माइनस 9 बराबर 9, तो कुल 9 लोग ऐसे हैं जो ठीक ठीक दोनों खेल खेलते। अब अध्याय एक पर विविध प्रश्नावली है, कह रहा क्वेश्चन नंबर एक, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। तो आपको दिया ए, ठीक है, ए दिया, ए बी दिया, सी दिया और डी दिया, तो ए बी सी डी दिए आपको, तो ए का मान कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0, तो इसको हम हल कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6 दुनी 12 और 6 दो 8 होता है, तो माइनस 6x माइनस का 2x प्लस 12 बराबर 0, तो ये कितना बचेगा, x निकाला तो ये x माइनस 6 माइनस 2 निकालेंगे, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो ये कितना हो गया, x माइनस 6 x माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से निकल के आया x का मान कितना, 6 2, तो हम यहां से कह सकते हैं a कितना है आपका, 2 6, ए हो गया 2 6। अब कह रहा था कौन किसका उपसमुच्चय है, ये आपको बताना है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ए की सारी वैल्यू बी के अंदर है कि नहीं, 2 6 बी के अंदर है, तो हम यहां से कह रहे हैं कि ए सबसेट बी, ए के सभी अवयव सी में भी हैं, तो हम यहां से कह रहे हैं कि ए सबसेट सी, ठीक है, और ए के सारे अवयव बी में नहीं है, तो यहां से नहीं बना। अगर हम बी की बात कर रहे हैं तो बी के सारे अवयव सी में है, यानी बी सबसेट सी, ये हो गया, ठीक है। और अगर हम डी को लें, क्योंकि सी तो सबसे बड़ा है, कॉमा लगे हैं उसमें डॉट डॉट, अगर हम डी को लें तो हम यहां से कह रहे हैं कि डी के सारे अवयव ए में हैं, डी के सारे अवयव बी में भी हैं और डी के सारे अवयव सी में भी है। इस क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य है, सत्य है तो सिद्ध कीजिए, असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए, ठीक है, ये करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं इसका। अब इसमें दे रहा है पहला, यदि x belongs to a और a belongs to b तो x belongs to b। अब इससे पहले आपको जरूरी है कि आपको belongs वाला मतलब पता होना चाहिए, मतलब क्या कि यदि मान लो a बराबर आपको दिया है a b c, a बराबर दिया है a b c, ये कहलाता है belongs to, ठीक है, belongs to, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। अब इसका मतलब क्या कि a जो है वो a के अंदर है, इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, a अवयव ए के अंदर है, ठीक है, बी बिलोंग्स टू ए, बी ए के अंदर है, सी बिलोंग्स टू ए, सी ए के अंदर है। और रही बात इसकी, जिसे हम कहते हैं उपसमुच्चय, इसको बोलते हैं उपसमुच्चय, ठीक है, इसको बोलते हैं उपसमुच्चय यानी सबसेट। तो जब हम इसको सबसेट बोलते हैं, इसका मतलब क्या कि यदि मान लो ए बराबर आपको लिखा है ए और बी, तो सबसेट बनते हैं, सबसेट एक तो बनता है आपका फाइ इस प्रकार से, और सबसेट का मतलब कोष्टक के साथ बनते हैं, ए बनता है, बी बनता है, ए बी बनता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए, ये कहलाता है सबसेट और ये कहलाता है बिलोंग्स टू यानी संबंधित है। अब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स जो है वो ए के अंदर है और ए पूरा का पूरा बी के अंदर है, ये दिया है, तो आपको बताना है क्या जो एक्स होगा वो बी के अंदर होगा, ये चीज क्लियर करनी है। तो यहां पर अपने पहली बात तो कथन असत्य होगा, ठीक है, कथन असत्य होगा। अच्छा, ये चीज आपकी उदाहरण नंबर 10, उदाहरण आपके 10 और 11 की तरह है, ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है उदाहरण 10 और 11 की तरह है, उसको ध्यान रखना है आपको। तो पहली बात तो कथन असत्य होगा। अब क्यों होगा कि मान लो ए में आपको अवयव दिया है एक,
ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक्स बिलोंग ए बिलोंग्स टू बी, मतलब वो कह रहा है ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए पूरा का पूरा बी में है, ए पूरा का पूरा आपका बी में है। तो इसका मतलब क्या कि जो अवयव एक है, जो अवयव एक है कोष्टक के साथ, वो बी के अंदर रहेगा, कोष्टक के साथ वो बी के अंदर रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप कुछ और लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब यहां आप देख रहे हैं कि जो ए है, ए के अंदर एक है, लेकिन बी के अंदर जो एक है वो कोष्टक के साथ है। इसका मतलब क्या कि तो जो एक है वो बिलोंग्स टू बी है, लेकिन वन नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब एक जो है वो कोष्टक के साथ तो बी के अवयव है, लेकिन कोष्टक के साथ बी का, अगर कोष्टक नहीं लगा है, कोष्टक नहीं लगा है तो फिर बी का अवयव नहीं रहेगा। इस प्रकार से तो दिया गया कथन असत्य। चलिए दूसरे क्वेश्चन की, दूसरे की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि ए सबसेट बी, मतलब ए जो है वो पूरा का पूरा बी के अंदर, ए के जितने भी अवयव है, ए के जितने भी अवयव है वो बी के अंदर है, तथा बी बिलोंग्स टू सी। अब बी पूरा का पूरा सी के अंदर है। अब यहां पर सबसेट का मतलब ये होगा कि ए के सारे अवयव बी में है, और बिलोंग्स टू का मतलब है बी पूरा का पूरा सी में है। तो ए बिलोंग्स टू सी, पहली बात ये कथन असत्य है, ठीक है। असत्य क्यों है देख लो कि मान लो ए बराबर दिया आपको वन, ए बराबर आपने क्या मान लिया, एक मान लिया। अब वो पहले क्या कह रहा था, कह रहा है कि ए सबसेट बी, मतलब ए का, ए के जितने भी अवयव है वो बी के अंदर है। ए सबसेट बी का मतलब क्या है कि ए के जितने अवयव है वो बी के अंदर है, और एक्स्ट्रा चाहो तो ले सकते हो। तो ए में क्या है, ए में वन है, ए में वन है, तो हमने बी में क्या मान लिया, बी में हमने वन टू मान लिया, ठीक है। ए सबसेट, ए सबसेट बी कहलाया क्योंकि ए के सारे अवयव बी में हो गए। अब आगे कह रहा था कि बी बिलोंग्स टू सी, मतलब बी पूरा का पूरा सी में है। तो जब बी पूरा का पूरा सी में है तो बी के अवयव यानी वन टू जो होगा वो पूरे के पूरे सी के अंदर हो जाएंगे कोष्टक के ही साथ, ठीक है, कोष्टक के साथ। एक्स्ट्रा लेना चाहो तो एक्स्ट्रा ले लो। अब यहां आप देख रहे हो कि ए बिलोंग्स टू सी, अब ए बिलोंग्स टू सी का मतलब क्या, ए में आपका वन अवयव है, ए में, ए में वन है, मतलब वन बिलोंग्स टू ए है, लेकिन यहां पर वन टू इकट्ठा है, तो आप यहां कह रहे हैं कि वन नॉट बिलोंग्स टू सी, तो ए बिलोंग्स टू सी के लिए वन नॉट बिलोंग्स टू सी, यानी दिया गया कथन असत्य इस प्रकार से, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। अब तीसरा कह रहा है कि ए सबसेट बी, मतलब ए के सारे अवयव बी में है, बी सबसेट सी, बी के सारे अवयव सी में है, तो आपको बताना है कि ए सबसेट सी। अब ये कथन सत्य है, कैसे सत्य है देख लो कि मान लो ए में आपको वन दिया, अब कह रहा है कि ए सबसेट बी, मतलब ए के जितने अवयव है वो बी में होंगे, तो हमने ए के, ए का जो वन था वो भी ले लिया, और एफ्टा लेना चाहो तो एफ्टा भी ले लो, तो वन टू कर दिया। अब वो कह रहा है कि बी सबसेट सी, मतलब बी के अवयव सी में है, तो वन टू भी तो हो गया, बी के लिए वन टू हो गया, और एफ्टा पार्ट लेना चाहो तो एफ्टा भी ले लिया। तो यहां हम देख रहे हैं कि ए के सभी अवयव सी में है कि नहीं है, ए में आपका वन था, यहां पर भी वन है, तो ए के सभी अवयव सी में है, तो ए सबसेट सी, यानी दिया गया कथन सत्य है इस प्रकार से। चौथे की अगर हम बात करते हैं, चौथा कह रहा है कि यदि ए नॉट सबसेट बी, मतलब ए के अवयव बी में नहीं है, ठीक है, और बी नॉट सबसेट सी, बी के अवयव सी में नहीं है, तो आपको बताना है कि ए नॉट सबसेट सी, तो इस प्रकार से कि ए जो होगा वो सी का सबसेट नहीं हो सकता है। लेकिन ये यहाँ चीज गलत हो रही, असत्य है। क्यों असत्य है समझिए कि मान लो, माना ए बराबर वन टू दिया, ठीक है, ए बराबर क्या दिया अपन को, वन टू दिया, तो वो कह रहा था कि ए नॉट सबसेट बी, मतलब ए के अवयव बी में नहीं है, तो अपन ने क्या किया कि टू थ्री ले लिया, मतलब यहां पर वन है तो यहां पर वन नहीं लिया, ए नॉट सबसेट बी, ए के सारे अवयव बी में नहीं है तो ए नॉट सबसेट बी कहलाया। अब वो कह रहा है बी नॉट सबसेट सी, मतलब बी के अवयव सी में नहीं हो, तो हमने क्या किया, वन टू फोर ले लिया, ठीक है, वन टू फोर ले लिया। तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर थ्री था तो यहां पर थ्री नहीं है, इसका मतलब क्या कि बी सब, बी नॉट नॉट सबसेट सी हो गया। अब यहां लेकिन आप देख रहे हैं कि जो ए के वन टू अवयव थे वो सी के अंदर पहुंच गए, ए के सभी अवयव सी में हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए ए नॉट सबसेट सी सही नहीं है, अतः दिया गया कथन असत्य है इस प्रकार से। अब चलिए पांचवें की बात करते हैं। पांचवा कह रहा है आपको कि यदि एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई अवयव है एक्स जो ए में है, और ए नॉट सबसेट बी, ए जो है वो बी के लिए सबसेट नहीं है, ए के सभी अवयव बी में नहीं है, तो आपको बताना है कि जो एक्स होगा वो बी में नहीं होगा। ये चीज असत्य हो रही, क्यों हो रही, इस प्रकार समझिए कि मान लो ए बराबर वन टू दिया, अब वो कह रहा है कि ए नॉट सबसेट बी, मतलब ए के अवयव बी में नहीं है, तो हमने क्या किया, बी मान लिया टू थ्री फोर,
हमने बी मान लिया 2, 3, 4, मतलब क्या कि ए का जो 1 था वो बी में नहीं है, ए का 1 बी में नहीं है, इसका मतलब नॉट सबसेट। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि यदि 1 है, अब यहां कह रहा था कि एक्स, यहां कह रहा था कि एक्स बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, अब यहां देख रहे हैं कि ए जो है वो 1 ए में 1 है, ए में 1 है, लेकिन आप देख रहे हैं बी में 1 नहीं है, ठीक है। अब यहां कह रहा था कि एक्स अगर ए में है और सबसेट नहीं है तो भी बी में होना चाहिए, ये गलत हो रहा, 1 बिलोंग्स टू ए है लेकिन 1 बिलोंग्स टू नॉट बी है, ठीक है, तो दिया गया कथन असत्य। इस प्रकार से छठवें की अगर हम बात करें तो छठवें कह रहे यदि ए सबसेट बी, मतलब ए के सारे अवयव बी में है और उसमें एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बी में नहीं है तो ए भी एक्स ए में भी नहीं होगा। यदि ए के अवयव बी में है और उसमें एक्स जो है वो बी में नहीं है तो एक्स जो है वो ए में भी नहीं होगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब मान लो, माना ए बराबर 1, 2 दिया और ए जो है वो सबसेट है बी का, यानी 1, 2 जो है सबसेट है बी का, तो बी में हमने मान लिया 1, 2, 3, मतलब ए के सारे अवयव बी में है, 1, 2 बी में है तो 1, 2, 3। अब यहां अगर मान लो 4 ऐसा कोई अवयव है, जो ऐसा 4 है जो बी में नहीं है, 4 नॉट बिलोंग्स टू बी, तो आप देख रहे हैं कि 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 4 जो बी में नहीं है वही 4 ए में भी नहीं है, इसलिए दिया गया कथन असत्य, दिया गया कथन सत्य है, इस प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मान लीजिए ए बी सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है, तो आपको बी बराबर सी सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। अब आपको जो दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है आपको ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। अब हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में ए माइनस कर दीजिए, कहने का क्या मतलब कि ए यूनियन बी में से यदि आप ए यहां से हटा रहे और ए यूनियन सी से आप ए यहां से हटा रहे हैं, तो जरा आप चित्र में इसको देखने की कोशिश कीजिए कि मान लो यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ए यूनियन बी क्या कहलाता है, मैंने क्या बताया था कि ये पूरा पार्ट ए यूनियन बी होता है, और अगर उस पार्ट में से यदि आप ए घटा दो तो ए घटाने का मतलब क्या कि ए घटाने का मतलब आप ये पूरा इतना हटा रहे पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट हटा रहे, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट आपको कहलाएगा इतना हिस्सा, इतना जो हिस्सा ये कहलाएगा आपको ये वाला पार्ट, ये बच गया आपको, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट है आपका इंटरसेक्शन वाला, तो बच कितना गया, ये वाला पार्ट बच रहा, यानी पूरे बी में से यदि आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दें तो बच गया, ठीक है, क्या बच गया आपके पास, यदि दो समुच्चय इस प्रकार से हैं, यूनियन वाला पार्ट पूरा रहा, आपने हटाया क्या, आपने हटाया कि यूनियन में से ए हटा दिया, तो ए हटाने का मतलब क्या है कि ये वाला पूरा पार्ट हटा दिया आपने, ये वाला पार्ट, ठीक है, अब बचा कितना, ये वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट को आप कहोगे क्या कि बीच वाला पार्ट इंटरसेक्शन वाला होता है, ठीक है, बीच वाला पार्ट इंटरसेक्शन वाला तो ये बी है, तो बी में से आपने इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया, ठीक है, तो बचा कितना कि ए बी में से आपने इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया, यानी ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया। अब हम बात इसी की करें तो यहां पर क्या कि बी में से आपने ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया, तो इसी प्रकार यहां आप बात कर रहे हैं कि सी में से आपने ए इंटरसेक्शन सी हटा दिया। अब आपको पता है कि चूंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए बी बराबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं, ये आपको दिखाना है, तो हमने मान लिया ए बराबर 1, 2, 3, बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5, आप कुछ भी मान सकते थे। तो पहला क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है ए सबसेट बी, तो यहां से आप देख रहे हैं कि ए और बी सबसेट है, ठीक है, पहला क्या है ए सबसेट बी सत्य है, ए सबसेट बी ये भी सत्य, ये सत्य है। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा कह रहा है ए माइनस बी बराबर 5, तो यदि आप ए और बी घटाएं, ए में से बी घटाएं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 1, 2, 3 था, तो जब ये 1, 2, 3 पूरा पूरा हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ये भी सत्य है, ठीक है, ये भी सत्य है। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है आपका कि ए यूनियन बी बराबर बी, यानी ए और बी का अगर आप यूनियन कराओगे तो आप देख रहे हैं कि बी निकल के आएगा, ठीक है, आप ये देख लीजिए यहाँ पर ए और बी का यूनियन करा दो तो क्या निकल के आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 निकल के आएगा, यानी ये भी सत्य है, सत्य है, ठीक है। अगर हम चौथे की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, तो अगर आप इनका इन दोनों का इंटरसेक्शन कराए तो आप देख रहे हैं कि ए निकल के छोटा वाला पार्ट निकल के आएगा, यानी ये भी सत्य है। तो इस प्रकार से हम क्या कह रहे हैं
कि चारों प्रतिबंध तुल्य हैं, चारों चारों प्रतिबंध प्रतिबंध तुल्य हैं इस प्रकार। ठीक है, आई होप क्लियर रही। अब चलिए क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच कह रहा है कि यदि ए सबसेट बी है तो आपको ये दिखाना है कि सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। तो इस प्रकार से मान लिया कि माना यदि ए बराबर 1 2 3 है, और चूंकि कह रहा था कि ए सबसेट बी, ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए, ठीक है, तो हमने क्या किया कि बी बराबर 1 2 3 4 5 मान लिया, ठीक है, 1 2 3 बी के अंदर है, और हमने मान लिया कि माना सी बराबर 4 5 6 7 इस प्रकार से हमने मान लिया। आप बाकी कुछ भी मान सकते थे। अब हम निकालते हैं कि c माइनस, क्योंकि यहां पर c माइनस बी कह रहा था, यहां c माइनस a, तो हम c माइनस बी और c माइनस a निकाल लेते हैं, देखिए कितना आएगा। अगर हम c माइनस बी और c माइनस a निकालें तो कितना आएगा, c में से b वाला पार्ट हटा देंगे, b वाले पार्ट में कितना है 1 2 3 है, 4 5, तो ये 4 5 अगर यहां से आप हटाओगे, 4 5 यहां से हटाओगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपको 6 7 6 7। और c माइनस a के लिए कर रहे हैं, तो अगर हम 1 2 3 यहाँ अगर हम 4 भी मान लेते हैं कि यहाँ अगर हम 4 भी ले लिया तो यहाँ से 4 हटेगा, ठीक है, अगर हम c माइनस ए कर रहे हैं, c माइनस ए के लिए क्या देगी 4 हटेगा, तो 4 हटेगा तो कितना बच जाएगा 5 6 7 बच जाएगा 5 6 7। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो c माइनस बी की अभी अब 6 7 हैं वो पूरे के पूरे अभी अब c माइनस ए में है, इसका मतलब क्या कि इसीलिए c माइनस बी सबसेट c माइनस ए। अगले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए पी ए बराबर पी ए बराबर पी बी है, तो आपको सिद्ध करना है कि ए बराबर बी, तो हमने क्या किया, मान लीजिए ए बराबर बी है और हम इसको सिद्ध करके दिखा देते हैं, ठीक है, वाइस वर्सा की तरह करते हैं उल्टा, तो अब हम ए बराबर बी दिया, चूंकि ए बराबर बी, ठीक है, तो माना ए बराबर आप कुछ मान लीजिए ए बराबर 1 2 है, तो बी बराबर भी 1 2 रहेगा क्योंकि ए बराबर बी है। अब पी ए क्या है, पी ए पावर सेट ऑफ ए, यानी ए का घात समुच्चय। अब ए का घात समुच्चय कैसे निकालते हैं, मैंने पीछे वीडियो में बताया पी बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 उप समुच्चयों का समुच्चय बनेगा, ठीक है, उप समुच्चयों का समुच्चय, तो 5 1 2 और 1 2 और इसका टोटल समुच्चय कर देंगे आप, तो ये पी ए बना। इसी प्रकार पी बी निकलेगा, पी बी क्या निकलेगा, पी बी निकलेगा यही चीज कि 5 1 2 और 1 2। हेंस PA बराबर PB इस प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं भी दो समुच्चयों A और B के लिए, तो हमने दो समुच्चय A और B, A मान लिया 1 2, B मान लिया 2 3, यहाँ पर कुछ बराबर वगैरह कह नहीं रहा, आपको ये सिद्ध करना है क्या यह सत्य है, क्या ये नहीं कह रहा कि सिद्ध कीजिए, ठीक है, क्या यह सत्य हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें, PA सबसेट PB बराबर PA यूनियन B, ठीक है, PA यूनियन PB बराबर PA यूनियन PB बराबर PA यूनियन B, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, यानी कारण भी बताइए, तो ये करना है। अपन A और B मान लिया, अब पावर सेट की बात कर रहा, तो पावर सेट निकाल लेते हैं, यानी PA निकालेंगे तो क्या होगा, उप समुच्चयों का समुच्चय, यानी 5 1 2 और 1 2 1 2 इस प्रकार से बनेगा। और अगर हम पावर सेट PB निकाले तो कितना आएगा 5 1 2, PB में कितना था 2 3 था ना, तो PB हो जाएगा आपका 2 3 एंड 2 3 इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। अब LHS क्या कह रहा था, LHS वाला पार्ट आपको कह रहा था, LHS वाला पार्ट कह रहा था का कि PA यूनियन B, PA यूनियन B, PA यूनियन PB ये कह रहा था, ठीक है, LHS वाला पार्ट था आपका PA यूनियन PB, तो PA यूनियन PB करते हैं तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका यूनियन करना है इन दोनों का, इन दोनों को जब यूनियन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 5 1 2 3 1 2 एंड 2 3 ये निकल के आना है, ठीक है, अगर हम LHS की बात करते हैं तो ये निकल के आना है यूनियन में। अब अगर हम बात करें RHS की, तो RHS में कह रहा था पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, RHS में अगर हम बात करते हैं RHS की, तो RHS क्या था, पी ए यूनियन बी, तो पहले तो हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी क्या आएगा, ए था 1 2, बी था 2 3, तो अगर हम इसका यूनियन कराते हैं, यूनियन आएगा आपका 1 2 3। अब इसका आप पावर सेट निकाल लो, तो जब आप पावर सेट निकालोगे इसका पी ए यूनियन बी बराबर क्या निकलेगा 5 1 2
थ्री ये आएगा, फिर वन टू टू थ्री, फिर ये आएगा आपका वन थ्री और वन टू थ्री, ये निकल के आएगा और इसका क्या निकलेगा समुच्चय। तो यहां आप देख रहे हैं कि बराबर नहीं है, यहां आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है। यहां तक तो कहानी बिल्कुल बराबर चल रही थी, इतने तो दोनों में बराबर है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो दोनों में इतने इतने पार्ट बराबर है, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि इस वाले हिस्से में आर एच एस वाले में इतना हिस्सा बराबर एक्स्ट्रा है। तो जब इतना एक्स्ट्रा है तो हम क्या कह सकते हैं कि एल एच एस बराबर नहीं है आर एच एस। इसका मतलब क्या कि पी ए यूनियन पी बी नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ कह रहे हैं किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए इतना। आपको दो मान दिए हैं, इनको आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो हमने मान लिया ए बराबर वन टू थ्री और बी बराबर मान लिया हमने थ्री फोर फाइव, आप कुछ भी मान सकते हैं, यही मानना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब हम पहला पॉइंट लेते हैं। अगर हम पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो पहले पॉइंट में हमने आरएचएस वाला पार्ट ले लिया। आरएचएस क्या दिया आपको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ए कितना माना था, ए माना था आपने वन टू थ्री और बी ले लिया था अपन ने थ्री फोर फाइव, ये मान लिया था अपन ने, ठीक है। तो अगर हम इस इंटरसेक्शन की बात करें, एक एक हिस्से की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, ये निकलेगा कॉमन कितना है तीन, कॉमन है तीन। और अगर हम ए माइनस बी की बात करें तो बी वाला पार्ट हटा देंगे, बी वाला पार्ट कितना था तीन था, तो कितना बच जाएगा वन टू बच जाएगा। और फिर कह रहा है कि इन दोनों का यूनियन करा दें, यानी क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो जब आप इनका यूनियन कराएंगे तो कितने निकलेगा वन टू थ्री निकलेगा, और ये वन टू थ्री क्या है, वन टू थ्री समुच्चय ए के बराबर है, समुच्चय ए के बराबर है, तो ए निकल आया, यानी कितना हो जाएगा ये एल एच एस हो जाएगा, हेंस प्रूफ, पहला पार्ट हो गया। अब अगर हम दूसरे वाले पार्ट की बात करें तो दूसरा वाला पार्ट आपको दिया था, दूसरा वाला पार्ट अगर हम बात करें, दूसरा दिया है आपको ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। और हमने आर एच एस ले लिया, क्या ले लिया एल एच एस वाला पार्ट, एल एच एस ले लिया ए यूनियन बी माइनस ए। अब अगर हम बी माइनस ए करते तो बी माइनस ए क्या निकलेगा, ए वाला पार्ट हटा देंगे यानी तीन हटेगा, तो कितना बच जाएगा तीन हटेगा तो फोर फाइव बच जाएगा, फोर और फाइव बच जाएगा। और अगर हम ए के साथ यूनियन करा रहे इस चीज का बी माइनस ए का, ठीक है, ए के साथ यूनियन करा दीजिए तो वन टू थ्री और फोर फाइव, यानी आएगा वन टू थ्री फोर फाइव, इतना आएगा, ये हो गया एल एच एस। अगर हम आर एच एस की बात करें तो आर एच एस, आर एच एस आपको क्या दिया ए यूनियन बी, और जब हम ए यूनियन बी कराते तो अभी निकलेगा वन टू थ्री फोर फाइव इस प्रकार से। तो यहां से आप देख रहे हैं कि चूंकि एल एच एस बराबर आर एच एस, हेंस प्रूफ, इतना था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके आपको ये सिद्ध करना है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। गुणधर्म का प्रयोग करना है यानी प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है। तो यहाँ पर अपन क्या लगाते हैं, वितरण नियम लगाते हैं। तो वितरण नियम क्या होता है एक बार देख लेते हैं कि यदि मान लीजिएगा इस प्रकार से लिखा है वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से लिखिए, मान लो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस प्रकार से लिखा है, तो आप क्या करेंगे कि यूनियन को अंदर कर लेंगे, इंटरसेक्शन को बाहर निकाल लेंगे। कैसे, ऐसे कि ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन कराएंगे, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे बीच वाला पार्ट, और ए और सी का ए यूनियन सी, इस प्रकार से। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यदि इस प्रकार से लिखा है तो यहां पर भी यही करेंगे क्या कि जो यूनियन वाला पार्ट हो जाएगा वो बीच में हो जाएगा और इंटरसेक्शन दोनों के साथ चला जाएगा। क्या नहीं, क्या मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये होता है वितरण नियम और यहां पर इसी को लगाएंगे। तो पहला पार्ट देखिए, अब पहला पार्ट आपको कह रहा है, पहला पार्ट दिया आपको ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और हम यहां पर क्या ले रहे हैं, एल एच एस ले लेते हैं, ठीक है, एल एच एस ले लिया। तो जब हम एल एच एस लेते हैं तो आप इसमें वितरण नियम लगाएंगे, वितरण नियम लगाएंगे तो क्या होगा, यूनियन जाएगा दोनों के साथ, तो इंटरसेक्शन आएगा बीच में, ठीक है। तो ए यूनियन ए और बीच में इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी, इस प्रकार से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ए और ए का खुद में ही यूनियन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। और यहां सोचिए कि यहां ए और बी का यूनियन हो रहा, जब ए और बी का यूनियन करा रहा है और यहां पर हम ए के साथ इंटरसेक्शन करा रहे हैं, ठीक है, ए और बी का आप यूनियन करा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर पूरा का पूरा ए है, यहां पर पूरा का पूरा ए है। जब पूरा का पूरा यहां ए है और फिर हम ए के साथ इंटरसेक्शन कराएं तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आर एच एस हो जाएगा,
दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है आपको ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। यहां पर भी हमने एलएचएस ले लिया, यहां पर भी हम वितरण नियम लगाएंगे, तो जब हम वितरण नियम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये ए इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन दोनों के साथ, और यूनियन हम बीच में ले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो जब आप ए का ए के साथ इंटरसेक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहां देखिए ए और बी के इंटरसेक्शन में, ए और बी के इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होगा वो वाला पार्ट आएगा, और फिर ए के साथ ही आप उसका यूनियन करा देंगे। तो जब आप ए के साथ ही उसका यूनियन कराओगे तो पूरा का पूरा ए निकल के आएगा, यानी ये आर एच एस। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दिखलाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है, ठीक है। ये आपको दिखाना है, मतलब जरूरी नहीं है कि बी बराबर सी है तो फिर, अगर बी बराबर सी ना भी हो तो भी इतना हो जाएगा, ये कहने का मतलब यहां पर। तो हमने क्या किया, मान लिया कि माना ए बराबर आपने 1 2 मान लिया, बी बराबर आपने 1 3 मान लिया, और सी बराबर 1 4 मान लिया। तो यहां से आप देख रहे हैं कि बी और सी हमने बराबर नहीं लिए, ठीक है, ये मान लिया। अब एल एच एस ले लेते हैं, तो एल एच एस क्या है, एल एच एस है आपका कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अगर हमने आर एच एस की बात की तो आर एच एस दिया ए इंटरसेक्शन सी, तो यदि हम ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि चूंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, लेकिन लेकिन बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, इतना आपको दिखाना। 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मान लीजिए ए और बी समुच्चय हैं, यदि ए यदि किसी समुच्चय एक्स के लिए ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर 5 तथा ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स बराबर है, तो सिद्ध करना है आपको ए बराबर बी। तो अब यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 9 में सिद्ध किया था, क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या सिद्ध किया था कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहां बी की जगह हम एक्स लेके कर रहे हैं, तो कैसा कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ये क्या हो रहेगा, ये रहेगा एक ए, और अगर हम बी की बात करते हैं यानी बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ये रहेगा आपका बी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया था उसके हिसाब से हम हल कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, पहले पार्ट को अगर हम ले लें, ये पहला समीकरण ले लिया आपने, ये दूसरा समीकरण एक ले लेते हैं, तो समीकरण एक से, समीकरण एक से, अब समीकरण एक क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स बराबर ए है, और यहां आप देख रहे थे कि ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स था, ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, तो हम ए यूनियन एक्स की जगह बी यूनियन एक्स रख देंगे, तो ए इंटरसेक्शन ये हो गया बी यूनियन एक्स बराबर ए, ठीक है। अब यहां आप लगा दीजिए वितरण नियम, तो जब आप वितरण नियम लगा रहे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बीच में हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर ए, और ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स का क्या था, ए इंटरसेक्शन एक्स था आपका 5, ठीक है। तो यहां आप कर रहे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5 बराबर ए, और जब आप 5 के साथ यूनियन कराएंगे तो वही निकल के आता, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए निकल के आया। और यदि हम समीकरण 2 ले लें, समीकरण 2 की बात करें, तो समीकरण 2 को भी इसी प्रकार हल करते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया कि बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स बराबर बी, यहां पर भी यही कर रहे हैं कि B यूनियन X की जगह हम A यूनियन X रख देते हैं, तो ये हो गया B इंटरसेक्शन A यूनियन X बराबर B, ठीक है। अब इसको वितरण नियम से तोड़ दीजिए, अंदर कर दीजिए, तो B इंटरसेक्शन A बीच में यूनियन B इंटरसेक्शन X बराबर B, ठीक है। और B इंटरसेक्शन X क्या दिया था आपको, ये दिया था आपको 5, ठीक है, B इंटरसेक्शन X दिया था आपको 5, तो ये B इंटरसेक्शन A यूनियन 5 बराबर बी, तो ये क्या हो गया। अब बी इंटरसेक्शन ए को आप क्या ले सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी ले सकते हैं, और यूनियन के साथ 5 करा रहे तो वही मिलेगा, तो ये बी, तो इसको आपने मान लिया तीसरा, और इसको मान लिया आपने चौथा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि समीकरण 3 और 2 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 और 4 से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ऐसे समुच्चय ए बी सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी आवेक समुच्चय हो, मतलब उसमें अगर इंटरसेक्शन कराएं तो उसमें कोई ना कोई अवयव आना चाहिए। तो आपको ये सिद्ध करके बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो 5 होगा।
तो अब हम मान लेते हैं कि माना लेट इट बी, माना ए बराबर आपने मान लिया 1 2 3, ए बराबर 1 2 3 ले लिया, ठीक है। फिर बी बराबर आपने ले लिया मान लीजिए 2 3 4। अब सी आपको ऐसा लेना है, क्योंकि सी आपको बी के साथ भी दिखाना है और ए के साथ भी दिखाना है कॉमन, तो सी में हमने एक पार्ट ऐसा ले लिया कि ए में ए का भी हो और बी का भी हो, ठीक है। तो ए से हमने 1 ले लिया और बी से हमने 4 ले लिया, 1 और 4, और एक चाहे एक्स्ट्रा ले लो 1 4 5, ठीक है, इस प्रकार से ले लिया। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाले, आप देखने जरा ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो कुछ क्या कॉमन था, 1 2 कॉमन था। फिर अगर हम बात करें बी इंटरसेक्शन सी की, तो बी इंटरसेक्शन सी निकाले तो क्या कॉमन था, 4 कॉमन था, ठीक है, 4 कॉमन है। और अगर हम ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। लेकिन जब आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं तो तीनों में देखिए क्या कुछ कॉमन है, तीनों में इकट्ठी एक ही चीज कॉमन नहीं है, तीनों में एक ही चीज कॉमन नहीं है, ठीक है, बराबर 5 हो रहा, इतना करना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है कि किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफी और 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी, और की बात कर रहे हैं तो यानी ये इंटरसेक्शन की बात हो रही, पीते हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। तो याद कीजिए इसी प्रकार का सेम टू सेम क्वेश्चन, टिट्टो क्वेश्चन आपका उदाहरण नंबर 26 में हुआ था, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 26 की तरह, यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लेना, उसी की तरह सेम सवाल, कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर 600 कुल विद्यार्थी हैं, इसमें से चाय पीते हैं 150, 225 कॉफी पीते हैं और 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों चीजें पीते हैं। तो हम पहले निकाल लेंगे यूनियन इन तीनों की मदद से। यूनियन कैसे, कि पहला समुच्चय यानी एन टी प्लस एन सी और इंटरसेक्शन घटा देंगे, तो एन टी इंटरसेक्शन सी, तो यहां से कितना निकल आएगा, ये आएगा 150 प्लस 225 और माइनस 100 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये निकल के आएगा आपका 375, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 375 माइनस 100, तो ये हो जाएगा आपका 275। अब आपको निकालना है ना तो चाय और ना कॉफी, ना तो चाय और ना कॉफी, ठीक है। और इसलिए मैंने उदाहरण नंबर 26 में बहुत अच्छे से बताया था, ना तो चाय का मतलब क्या है टी डैश, ना तो कॉफी का मतलब क्या है कि सी डैश, और का मतलब क्या है इंटरसेक्शन, ये निकालना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि जो डैश है, जो कॉम्प्लीमेंट यानी जो पूरक है, उसको इकट्ठा कर देंगे और चिन्ह बदल देंगे, यानी टी इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन सी और इसके अंदर, इस प्रकार से। और जब आप डैश हटाते हैं तो क्या होता है, यूनिवर्सल से हट घटा दोगे, तो यूनिवर्सल से हट घटा दोगे यानी यू माइनस टी यूनियन सी, इस प्रकार से। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं कि एन टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश बराबर एन यू माइनस एन टी यूनियन सी। तो कुल कितने बच्चे थे, 600, उसमें से 275 ऐसे बच्चे थे जो कुछ ना कुछ पी रहे थे, कम से कम या तो चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे या दोनों चीजें पी रहे थे, ऐसे बच्चे थे। तो 275 हटा देंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 325 बच्चे ऐसे हैं, विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते, ना तो चाय ना कॉफी। नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी और 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, नहीं इंटरसेक्शन की बात हो रही। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी जानता है या अंग्रेजी, यानी कोई ना कोई स्टूडेंट कोई ना कोई भाषा जरूर जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यूनियन निकाल देना, कुछ नहीं, सिंपल सवाल है। तो हिंदी जानने वाले हैं 100, इंग्लिश जानने वाले हैं 50, दोनों जानने वाले हैं 25, तो यूनियन निकाल देंगे। यूनियन कैसा कि एन एच प्लस एन ई और माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो यहाँ आप कर देंगे 100 50 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 25, यानी 125 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई 125 कुल विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो कम से कम एक बात। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, 26 लोग समाचार पत्र टी, 26 लोग समाचार पत्र आई, 9 लोग एच तथा आई यानी एच और आई का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो 9, ठीक है, 11 लोग एच तथा टी दोनों, 8 लोग हैं टी तथा आई दोनों, और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो निम्नलिखित ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से किया कि कुल समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं जो सब मिला के हैं वो 60 लोग हैं, ठीक है।
फिर उसमें से एच पढ़ने वाले 25 हैं, टी पढ़ने वाले 26 हैं और आई पढ़ने वाले 26 हैं। एच आई दोनों को मिला के पढ़ने वाले 9 हैं, एच टी दोनों को मिला के पढ़ने वाले 11 हैं, टी आई दोनों को मिला के पढ़ने वाले 8 हैं, और तीनों जो तीनों अखबार पढ़ते हैं उनकी संख्या 3 है। तो आपको बताना है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। जब यहाँ बात कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या की हो रही, यानी आपको निकालना है एन एच यूनियन टी यूनियन आई, ये निकालना है आपको, ठीक है, सीधा सीधा सिंपल। तो इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई फिर माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई और प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो इस सब की वैल्यू रख दीजिए, तो एन एच का मान कितना है 25, एन टी का मान 26, एन आई, ये आई है, एन आई का मान 26 माइनस एन एच एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी कितना है 11, फिर माइनस टी इंटरसेक्शन आई है 8 माइनस एच इंटरसेक्शन आई है 9 और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन कितना था 3 था। तो जब आप यहां कर रहे हो 26 बावन, बावन 25 77 और 3 80, ये 80 हो गया, माइनस 11 9 20 और 8 28, तो ये 28 हो गया। तो जब आप 28 घटा रहे तो कितना बच रहा है, ये बच रहा है आपको 52, ठीक है। तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 52 है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, तो दूसरा कह रहा है ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, मतलब वो कोई और समाचार पत्र नहीं पढ़ते, वो सिर्फ एक ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इसको समझने के लिए आइए अब बैनारिक देखते हैं। तो अब बैनारिक में देखेंगे कि है क्या, ठीक है, अच्छे से समझेंगे जरा। और यदि आप बैनारिक समझ गए तो आप समझिए कि आपने पूरी जंग जीत ली, ये बात समझिए। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझिए। देखिए तीन लोग ऐसे थे जो तीनों अखबार पढ़ते थे, ठीक है ना। तो जब तीनों अखबार पढ़ते तो हमने तीन को कहां रखा, बीच में, क्लियर है बात। फिर अगर हम बात करें, ये है आपको एच, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है एच और, ये बता रहा है एच और टी के लिए, किसको बता रहा है, एच और टी को बता रहा। तो जब एच और टी को बता रहा है तो आप देखिए एच और टी में इकट्ठा कितना था, एच और टी की अगर हम बात करें इकट्ठे की, तो एच और टी इकट्ठे 11 थे, कितने थे 11। एच और टी में अगर हम बात करें एक साथ, तो एक साथ कितने थे 11, 11 में से तीन आपकी ये बीच में है, तो यहां पर कितने बचेंगे, यहां 8 बचेंगे, क्लियर है बात। इसी प्रकार एच और आई के लिए देखिए, एच और आई के लिए अगर हम बात करें तो एच और आई में इकट्ठे कितने थे, एच और आई में इकट्ठे 9 लोग थे, एच और आई में इकट्ठे कितने लोग थे 9। अब 9 में से तीन लोग तो आपके बीच में है, 9 में से आपके तीन लोग बीच में है, तो 9 में से तीन लोग बीच में, तो इस साइड कितने बचे, 6 लोग बचे कि नहीं बचे, इस साइड 6 बचे। अब अगर हम ये वाले हिस्से की बात करें, इस वाले की, इसको देखिए, ठीक है। तो जब इसकी बात करते हैं तो ये टी और आई के लिए बता रहा, तो टी और आई में इकट्ठे लोग कितने थे 8 लोग थे। अब 8 लोग थे, 8 लोग में से तीन लोग बीच में, तो यहां पर कितने बचे 5 बचे, इस प्रकार से। अब यहां पर ये देखिए, ये वाला हिस्सा है आपका, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका एच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा है आपका एच वाला। एच वाले में हिस्से में कितने होगा टोटल, 8 3 11 6 17, और एच में थे कितने, एच में थे 25, एच में कितने थे 25, तो 17 हो गए और 25 हैं, तो 25 में से आपकी 17 बच जाएंगे, तो कितने बच जाएंगे 8, कितने बच जाएंगे 8 बच जाएंगे। अब जरा ये वाला हिस्सा देखिए, अगर ये वाले हिस्से की हम बात करें, इसकी बात करें, देखिए इस वाले हिस्से को देखिए, तो इसमें ये 8 3 11 5 16, तो 16 ये हो गए, और टी में थे कितने, टी में थे 26, तो 16 हो गए, 26 रह गए, तो कितने बचे 10, ठीक है, 26 थे 16 हो गए, तो कितने बचे 10 बचे। और अगर आप इस हिस्से की बात करें, ये वाला हिस्सा देखिए, इस वाले हिस्से की बात करें, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये वाला टी को बता रहा, अब ये वाले हिस्से में टी को बता रहा, तो ये 5 3 8 8 6 14 14 हो गए, और आई में 26 थे, 26 में 14 हो गए, तो कितने बचे 12 बचे। तो केवल एक एक अखबार पढ़ने वाले लोग कितने, 8 10 और 12, इसको जोड़ लीजिए, तो ठीक ठीक केवल एक एक अखबार पढ़ने वाले लोग हो गए आपके 8 प्लस 10 प्लस 12,
ठीक है, 8 प्लस 10 प्लस 12 यानी कितने हो गए, ये हो गए आपके 30। 30 लोग ऐसे हैं जो ठीक ठीक एक। चलिए एक्सरसाइज का आखिरी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी, 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी, 12 लोग उत्पाद सी तथा ए, 14 लोग उत्पाद बी तथा सी और 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं तो ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल सी उत्पाद को पसंद करते हैं, ये कह रहा। ठीक है, तो चलो इस सवाल को देख लेते हैं। अब 21 लोग हैं जो उत्पाद ए कर रहे हैं पसंद, 26 लोग उत्पाद बी कर रहे, 29 लोग उत्पाद सी कर रहे, ठीक है, उसमें से 14 लोग ऐसे हैं जो ए और बी दोनों को कर रहे हैं, 14 लोग ऐसे हैं जो बी और सी दोनों को पसंद करते हैं और 12 लोग ऐसे हैं जो सी और ए को पसंद कर रहे हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों उत्पादों को पसंद करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था यदि आप वेन आरेख सीख जाते हैं, वेन आरेख कुछ नहीं है, बहुत सरल चीज है, यदि मैंने क्वेश्चन पिछले में बताया कोई दिक्कत हो आप इंस्टाग्राम पर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, डीएम करिए, मैसेज कीजिए, वहां पर मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, कोई भी दिक्कत होती है स्क्रीनशॉट लेके मैं वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पर यदि आप वेन आरेख सीख जाते हैं तो आपने समझिए बहुत बड़ी जंग जीत ली, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, तो 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों को पसंद कर रहा है, इसका मतलब क्या कि आपको 8 जो भरना है वो बीच में भरना है, क्लियर है बात। अब जरा दो दो के बाद ये हो गई तीनों की बात, अब बात करते हैं दोनों की। तो ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला जो हिस्सा है आपका ये ए और बी को बता रहा, ठीक है, तो ए और बी में कुल 14 है, 14 में से 8 तो बीच में भर गए, ठीक है, बचे कितने 6, तो 6 आपके ऊपर आएंगे। अब इस वाले पार्ट को अगर हम बात करें, इस वाले पार्ट की, ये बी और सी वाले पार्ट की, ये वाले पार्ट की, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा। तो अगर हम इसकी बात करें तो बी और सी दोनों मिला के कितने थे, दोनों मिला के 14 थे, 14 में से ये 8 भर गए तो कितने बचे यहाँ पर, यहाँ पर 6 बचे। अब अगर हम बात करें सी और ए की, जरा आप सी और ए को देखिए, ये वाला पार्ट सी ए वाला है, ये वाला जो पार्ट है ये हिस्सा, ये किसको बता रहा, सी ए का, सी ए में टोटल है 12, 12 में 8 भर गए तो कितने बचे, 4 बचे, तो 4 आएंगे यहाँ पर, तो ये 4 भर गए। अब बात करते हैं सिंगल सिंगल एबीसी की, तो जरा देखिए ये वाला जो हिस्सा था ये बता रहा, ये वाला हिस्सा ये ए को बता रहा था, ठीक है। अब ए में भर कितने गए, 6, 4, 10, 8, 18, अब 21 भरने थे, 21 में से 18 भर गए, ठीक है, 21 में से 18 भर गए तो कितने बचे, 3 बचे, तो यहाँ 3 आएंगे। अब जरा इस वाले पार्ट को देखिए, ये वाला जो बी वाला हिस्सा, ये वाला बी वाला हिस्सा अब आपको दिख रहा होगा, ये बी वाला हिस्सा, ठीक है, जहां जाइए मैं बता रहा हूँ आपको, तो बी वाले हिस्से में कितने हो गए, 6, 6, 12, 8, 20, 20 हो गए, टोटल कितने थे, टोटल आपके पास बी में 26 थे, तो 26 में 20 हो गए तो कितने बचे, 6 बचे, तो यहाँ 6 आएंगे, ठीक है। अब अगर आप इस वाले पार्ट की बात करते हैं, सी वाले हिस्से की, तो जरा आप सी वाला हिस्सा देखिए, ये वाला सी वाला हिस्सा, ठीक है, ये सी वाला हिस्सा देखिए, अब सी में आप देख रहे हैं 6, 4, 10, 8, 18 भर गए और भरने थे 29, तो कितने बचे, 18 भर गए, 29 भरने थे तो कितने बचे, 11। आपसे पूछ रहा था ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल सी को पसंद करते हैं, तो सी को पसंद करने वाले केवल सी को, तो केवल सी को पसंद करने वाले 11 लोग हैं, केवल सी उत्पाद को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 11 लोग हैं बस। आई होप ये आपको चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.6 तक पूरी आपको क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप ये समझिए कि वीडियो अगर आ नहीं पा रही है टाइम से तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वीडियो को बनाने में 30 मिनट की वीडियो बनाने में 5-5 घंटे लग जाते हैं, तो इस मेहनत को आप अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, जहां तक हो सके आप उसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए, साथ ही कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।